हाय फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 8 को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम पिछली क्लास में राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें राजस्थान के दुर्गों की विस्तृत चर्चा की, जो कि हमारे राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार नौ प्रकार के माने गए हैं। नौ प्रकार यानी कि शुक्र नीति के अनुसार जो हमारे दुर्गों के प्रकार हैं वो माने गए हैं नौ। और उन नौ प्रकार हमने बताए थे, जैसे कि नंबर एक पारिक दुर्ग, नंबर दो एरण दुर्ग, नंबर तीन पारिधि दुर्ग, नंबर चार धानु दुर्ग, नंबर पांच वन दुर्ग, नंबर छह जल दुर्ग, नंबर सात गिरि दुर्ग, नंबर आठ सहाय दुर्ग, और नंबर नौ सैन्य दुर्ग। देखिए दोस्तों, जो दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं वो पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिधि दुर्ग, धान दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सहाय दुर्ग और सैन्य दुर्ग। इसमें से जो महत्वपूर्ण यानी शुक्र नीति के अंतर्गत शुक्र नीति के अनुसार सबसे जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है सैन्य दुर्ग। कहने का मतलब, शुक्र नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सैन्य दुर्ग है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है, जबकि कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार सबसे जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो माना गया है गिरि दुर्ग। ये बात भी आपको याद रखनी है कि शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है सैन्य दुर्ग को, जबकि कौटिल्य के अनुसार माना गया है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग को ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा अब जब हम बात करते हैं इनके बारे में, हमने लगभग सात दुर्गों के बाद सात प्रकारों के बारे में हमने लगभग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिध दुर्ग, धानु दुर्ग, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। जैसे पारिक दुर्ग में खाई और खाई के अंतर्गत पानी भरा हो, ऐसा जो दुर्ग होता है वो होता है पारिक दुर्ग, जिसका उदाहरण है भरतपुर का किला और डीग का किला। डीग कहने का मतलब, जो भरतपुर का किला है और डीग किला है, ये दोनों ही किसके उदाहरण है? पारिक दुर्ग के। क्यों है? क्योंकि इनके चारों तरफ खाई बनी हुई है और खाई में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा आता है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब जिसमें कांटे, पत्थर, खाई, इस टाइप के चारों तरफ इस टाइप की स्थिति से घिरा हुआ हो,
तो वो आता है एरण दुर्ग के अंतर्गत, और इसका एकमात्र उदाहरण है रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग, पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग का मतलब जिसके चारों तरफ दीवार बनाई गई हो, बड़ी बड़ी दीवारों से जो घिरा हो, वो जो दुर्ग होता है वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। और पारिद दुर्ग का जो उदाहरण है वो होगा चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। यानी कि इनकी जो दीवार है वो ऐसी हैं जिन पर चार चार घोड़े एक साथ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो दीवार है वो कैसी बनाई गई है, बड़ी बड़ी बनाई गई है। नेक्स्ट है धान दुर्ग, और धान दुर्ग से तात्पर्य होता है जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि धान का अर्थ होता है मरुस्थल, धान शब्द है एक संस्कृत भाषा का, और संस्कृत भाषा इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। तो इसका जो उदाहरण है राजस्थान में मिलता है जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट है वन दुर्ग, वन दुर्ग से तात्पर्य है दोस्तों कि जिस दुर्ग के चारों तरफ जंगल हो, वन हो, वन और जंगल यानी कि घिरा हुआ हो, तो ऐसा जो दुर्ग होगा वो होगा वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसका जो उदाहरण है वो है रणथंबोर दुर्ग। एक ऐसा दुर्ग है जिसके चारों तरफ बीहड़ जंगल है, और इस वजह से ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्योंकि एरण दुर्ग की भी ये विशेषता होती है कि उसके चारों तरफ खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, तो ये सब जंगल में भी आती हैं, तो इसलिए वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, वह है रणथंबोर दुर्ग। नेक्स्ट है जल दुर्ग, जल दुर्ग से मतलब है जिस दुर्ग के चारों तरफ जल भरा हो, जल से घिरा हुआ हो पूरी तरह से, तो वो जो अब इसमें क्या अंतर है पारिक में और जल दुर्ग में, यानी कि पारिक दुर्ग में तो खाई बनाकर उसमें जल भरा जाता है, जबकि इसमें एक नेचुरल जल से घिरा हुआ हो, यानी कि तीन साइड से या चार साइड से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो दुर्ग होता है, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे गागरोन दुर्ग और भैंस रोड गढ़ दुर्ग। ये दोनों ही दुर्ग ऐसे हैं जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। गागरौन का संबंध झालावाड़ से है और भैंसरोड़गढ़ का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। तो कहने का मतलब ये दोनों दुर्ग कैसे हैं, जल दुर्ग हैं। नेक्स्ट है गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग से तात्पर्य है दोस्तों कि जो दुर्ग किसी पहाड़ पर बनाए गए हों, पर्वत पर बनाए गए हों, वो दुर्ग आते हैं गिरिदुर्ग के अंतर्गत। तो इसमें महत्वपूर्ण है जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, शिवाणा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, याद रखना है दोस्तों कि जो रणथंबोर है एरण में भी आ रहा है, और नेक्स्ट है बंदुर्ग में भी आ रहा है, और फिर तीसरे नंबर पर गिरिदुर्ग में भी आ रहा है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये रणथंबोर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो इन तीनों की विशेषताओं को बिलोंग करता है, और जब तीनों की विशेषता रखता है तो वो तीनों प्रकार में भी आएगा, ये स्वाभाविक बात है। क्योंकि जो गिरिदुर्ग होता है वो पर्वत पर बना होता है, तो ये फैक्ट है कि रणथंबोर दुर्ग पर्वत पर बना हुआ है, और वो एरण दुर्ग इसलिए है क्योंकि पर्वतों में ही
खाई पत्थर कांटे होते हैं तो हिरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बन दुर्ग की में क्योंकि वहां बियावान जंगल भी है उसके चारों तरफ, तो इसलिए ये बन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब बात आती है गिरी दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, छिवाड़ा दुर्ग। छिवाड़ा दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में है। जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग, ये दोनों ही दुर्ग कहाँ है? जयपुर में है, जो कि आपको यहां से पहाड़ी पर बने हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि गिरी दुर्ग की विशेषता है कि ये पहाड़ी पर बने होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो पहाड़ी पर होता है। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग और सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग का और सैन्य दुर्ग का दोस्तों वर्तमान में कोई उदाहरण नहीं है। इनका मतलब यह है, इनका मतलब स्पष्ट कर लेंगे क्योंकि हम इनका तो विस्तृत चर्चा कर चुके थे। इनकी जब हम बात करते हैं तो इनको परिभाषित किया जाएगा, तो इसका मतलब है सहाय दुर्ग जो आठवां है, सहाय दुर्ग यानी कि जिस दुर्ग में अनेक सहायता करने वाले भामाशाह और बांधव निवास करते हैं, वह दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जिस दुर्ग में अनेक सहायता करने वाले भामाशाह और बांधव निवास करते हैं वह दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाता है, क्योंकि हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग जिस दुर्ग में रहते हो तो वो जो दुर्ग है वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग, जो कि शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है, वह है सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग का मतलब है सैन्य दुर्ग, जिस दुर्ग में चतुरंगनी सेना विद्यमान हो तो वह दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब, जिस दुर्ग में चतुरंगनी सेना विद्यमान हो वह दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी जिस दुर्ग के अंतर्गत पर्याप्त सेना हो। चतुरंगनी का मतलब है पर्याप्त सेना, और पर्याप्त से तात्पर्य है कि घुड़सवार हो, पैदल चलने वाले हो, हथियारबंद हो, हाथी सवार हो, इस टाइप की जो सेना होती है उसको कहते हैं चतुरंगनी सेना, जो कि चारों तरफ से दुश्मन को परास्त करने में सक्षम हो, ऐसी जो सेना होती है वो चतुरंगनी सेना कहलाती है। और जिसमें चतुरंगनी सेना होती है ऐसा दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि वर्तमान में अब ऐसा कोई सैन्य दुर्ग नहीं है जिसमें कोई सेना निवास करती हो, हाथी घोड़े रहते हो, तो इसलिए अब इसका कोई वर्तमान में एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए ये दोस्तों नौ प्रकार शुक्र नीति के अनुसार बताए गए थे जिनका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब बात आती है सा का क्या होता है। एक शब्द सुना होगा आपने सा का, और सा का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। ये सा का बहुत ही पॉपुलर शब्द है, और सा का को जानने से पहले हमको दो शब्दों का ज्ञान होना
चाहिए। एक है जौहर और एक है केसरिया। जौहर और केसरिया दोस्तों, जो केसरिया और जौहर दोनों शब्दों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो साका बन जाता है। दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो वो साका बन जाता है। कहने का मतलब जौहर प्लस केसरिया बराबर साका, यानी अब जौहर का मतलब क्या होता है? जौहर से तात्पर्य है कि जब किसी दुर्ग की महिलाएं किसी योद्धाओं का अशुभ समाचार सुन लेती हैं कि, तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं होती हैं वो या तो जल में या अग्नि में अपने आप को समर्पित करके वीरगति को जो प्राप्त हो जाती हैं, तो वो जो कार्य होता है वो कहलाता है जौहर। दूसरा है केसरिया। केसरिया से तात्पर्य होता है कि जब पुरुष केसरिया वस्त्र और पगड़ी धारण करके युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उनका केसरिया कहलाता है। केसरिया और जौहर यदि दोनों ही एक साथ हो जाएं, उधर तो महिलाएं वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं और उधर पुरुष वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं तो वो कहलाता है साका। कहने का मतलब जौहर और केसरिया दोनों का एक साथ होना साका कहलाता है। अब आपने देखा भी होगा दोस्तों कि ढाई साका जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अब उस ढाई साके का तात्पर्य क्या होता है? ढाई साके का तात्पर्य यह होता है दोस्तों कि जो या तो जौहर हो जाए, कहने का मतलब दो दो से मिलकर साका बनता है, या तो जौहर हो जाए केसरिया नहीं हो, या केसरिया हो जाए जौहर नहीं हो, तो कहने का मतलब साका कैसा रह गया? आधा रह गया। और यही घटना घटित हुई थी जैसलमेर दुर्ग में। और जैसलमेर दुर्ग में क्या घटना घटित हुई थी कि उस समय क्या हुआ था कि जैसलमेर की सेना युद्ध के लिए गई थी और किसी दूसरी यानी शत्रु सेना के गुप्तचर ने आकर जैसलमेर दुर्ग में यह अफवाह फैला दी कि जैसलमेर की सेना वीरगति को प्राप्त हो गई, जबकि वो वीरगति को प्राप्त नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जो जैसलमेर दुर्ग की महिलाएं थी उन्होंने ये अशुभ समाचार सुनकर और अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दिया और वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन वो युद्ध जीत कर आ रहे थे, जब जैसे ही वो युद्ध जीत कर जैसलमेर आए तो उनको पता चला कि ये महिलाओं को किसी ने गलत अफवाह के द्वारा जौहर करने को मजबूर कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि जौहर तो हो गया था लेकिन केसरिया नहीं हुआ था, और जब जौहर हो गया केसरिया नहीं हुआ तो इस कारण जो जैसलमेर का जो साका है वो ढाई साका के नाम से प्रसिद्ध है, जैसलमेर का साका। और किस नाम से प्रसिद्ध है? वो ढाई साका के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें ना तो तीन साका हुए थे ना दो साका हुए थे, इसमें क्या हुआ था? ढाई साका हुए थे। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में हुए थे, चित्तौड़गढ़ में तीन साका हुए थे, इनका हम विस्तृत अध्ययन अगली क्लास में बताएंगे आपको। और इसके अलावा जो सेवाणा दुर्ग था उसमें दो साका हुए थे, रणथंभौर दुर्ग में एक साका हुआ था, जालौर दुर्ग में एक साका हुआ था, गागरौन दुर्ग में दो साका हुए थे। तो कहने का मतलब जैसे
चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन शाखे, नंबर दो शिवाणा दुर्ग, शिवाणा दुर्ग में दो शाखे हुई थी, नंबर तीन गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग में दो शाखे हुई, नंबर चार जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, और जैसलमेर दुर्ग में ढाई शाखा, रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग में एक शाखा हुआ था, जालौर दुर्ग, जालौर दुर्ग में एक शाखा हुआ था। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो शाखा हुए थे संपूर्ण राजस्थान में, जो भी दुर्ग थे इनमें केवल इन दुर्गों में ही शाखा हुए थे, और शाखा का मतलब हम आपको बता चुके हैं, और कंपटीशन में हमेशा शाखा की संख्या भी पूछी जाती है कि किस दुर्ग में कितने शाखे हुए थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन शाखा, शिवाणा दुर्ग में दो शाखा, गागरोन दुर्ग में दो, जैसलमेर दुर्ग में ढाई, रणथंबोर दुर्ग में एक, और जालौर दुर्ग में एक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।